सीतापुर के अश्वगंधा, ब्राह्मी और खस की सुगंध अब विदेश की धरती पर भी फैलेगी। वहां के किसान इन औषधियों की खेती कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएंगे। इन औषधियों के अलावा सतावर, ड्रैगन फूड, हल्दी आदि को भी विदेश में वृहद स्तर पर उगाया जाएगा। एशिया प्रसिद्ध सीतापुर की दरियों को भी अर्जेंटीना की धरती पर नई पहचान मिलेगी। सीतापुर के दरी उद्योग को अर्जेंटीना में बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। दरअसल अर्जेंटीना के पूर्व कृषि मंत्री एवं मौजूदा समय भारत में उच्चायुक्त मेरियानो बहरान ने बुधवार को बिस्वा के कमुआपुर में प्राकृतिक औषधीय संघध और गौ आधारित खेती को देखा। कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद कर तमाम जानकारियां जुटाई। उन्होंने तहसील बिस्वा क्षेत्र के भगवानपुर माफी में ODOP योजना से बने कॉमन फैसिलिटी सेंटर पर जाकर उत्पादकों से संवाद किया और हथकरघा उद्योग से बनाई गई दरियों का भी अवलोकन किया। सबसे पहले वह ग्राम कमुआ में स्थित किसान अशोक गुप्ता के खेत पर गए। यहाँ प्राकृतिक औषधीय संगद, सतावर, ड्रैगन फूड, हल्दी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, हाइबिस्कस खेती का अवलोकन कर किसानों से संवाद किया। बताते हैं कि अर्जेंटीना में भी रासायनिक खेती से किसान त्रस्त है। सीतापुर में अब बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा गौ आधारित खेती की जा रही है। इसे इस तरह उपयोग में लाकर किसान कम लागत में या जीरो बजट में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियां उच्चायुक्त ने हासिल की। इन जानकारियों को वह अर्जेंटीना में किसानों तक पहुंचाएंगे, जिससे वहां भी औषधि एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम भगवानपुर माफी में सेंटर में लगी यार्न काउंट मशीन, GSL मशीन, कलर मैचिंग मशीन, TFO ट्विस्टर मशीन सहित उत्पादित की जा रही दरियों को देखा और सराहा भी। बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के सचिव हयात कौशल ने कृषि मंत्री सहित उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मान स्वरूप दरियां भेंट की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार PS ओझा, उप कृषि निदेशक SK सिंह और उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता आदि मौजूद रहे। सीतापुर पहुंचे अर्जेंटीना के पूर्व कृषि मंत्री व भारत में मौजूदा उच्चायुक्त मेरियानो बहरान ने औषधि खेती दरी उद्योग देखकर क्या कहा, आप भी सुने। For the purpose of the visit coming from the capital, from Delhi, from the embassy, was to understand and know what was farmers working and how they are doing to double the income from productivity and all this. So we arranged with the government of UP a visit to the capital, and also this was part of the plan. खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।